नमस्कार, कशिश न्यूज के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। बुलेटिन की शुरुआत, फंस गए पप्पू, सिचुएशन ही ऐसा है। हाई कोर्ट में तो अब जमानत की याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो रहा है और लोअर कोर्ट उनके जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। इस स्थिति में अब क्या होगा, पप्पू को एक महीने कम से कम जेल में तो रहना ही पड़ेगा, मतलब DMCH में रहना ही पड़ेगा जब तक हाई कोर्ट में उनकी याचिका की सुनवाई नहीं हो पाती है। केस कंप्रोमाइज भी नहीं लगेगा, कोर्ट खुला हुआ नहीं है, वर्चुअल हर जगह वर्चुअल कोर्ट चल रहा है, लोअर कोर्ट। तो मतलब दोहरी मार पप्पू जी को लग गया, एक तो अब वो बाहर निकल नहीं सकते हैं, बाहर में जो उनका तरीका था कोरोना को लेकर सरकार को घेरने का वो अब संभव नहीं है। लेकिन चलिए, अब फिलहाल उन्हें एक महीने तक जो सिचुएशन है, क्योंकि हाई कोर्ट खुलने के बाद ही जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट पहले ही इनके दो मेंशन को खारिज कर चुके हैं। जमानत याचिका के लिए उन्होंने दो मेंशन किया था, उस दोनों मेंशन को खारिज कर दिया था। और अब हाई कोर्ट जब तक गर्मी छुट्टी से खत्म नहीं होता तब तक इनके जमानत की याचिका पर सुनवाई संभव नहीं है। और वैसे भी जिस तरीके से जमानत याचिका पेंडिंग है, बहुत मुश्किल होगा पप्पू यादव को बाहर निकलना फिलहाल। चलिए, मधेपुरा से खबर है कि जमानत नहीं मिली है पप्पू यादव को और अब 20 दिनों से जेल में बंद हैं पप्पू यादव। चलिए अब दूसरी खबर पर हम चलते हैं। मधेपुरा संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या मामला, सुनवाई में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि कहा यह जा रहा था कि जो जिनका अपहरण हुआ था वो खुद कह रहे हैं कि ये मामला कुछ है ही नहीं, सारे लोग इक्यूटल हो गए हैं, आपसी कंफ्यूजन के कारण ये केस मुकदमा दर्ज हो गया था। लगता है हमारा संपर्क इनसे टूट गया। चलिए अब दूसरी खबर पर चलते हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मोहर लगी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिन एजेंडों को लेकर हर किसी की नज़र उस पर थी कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती, अब यह तय हो गया कि समय पर पंचायत चुनाव नहीं होगा और अब जब भी चुनाव होगा उससे पहले एक परामर्शी कमेटी बनेगी और वो परामर्शी कमेटी इस के परामर्शी कमेटी के सहारे पंचायत की योजनाओं पर काम होगा। चलिए अब हम क्या कहते हैं इस मसले पर मंत्री, जो मंत्री ठीक कैबिनेट की बैठक के समय ट्वीट करके जानकारी दी थी कि परामर्शी समिति गठित हो रही है, सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। एक्ट में संशोधन किया और 15 जून को जो समय पूरा हो रहा है, पंचायती राज के चुनाव क्यों नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश कोरोना के महामारी के देखते हुए, तो हम परामर्शी समिति का गठन करेंगे जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल के पास अभी जाएगा और वहाँ से जैसे ही सम्मति प्राप्त होगा तो हम लोग इसमें एक रूल्स बनाकर, संकल्प बनाकर दिशा निर्देश जारी करेंगे कि किनको किनको इसमें व्यवस्थित किया जाएगा और समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, समिति के सदस्य कौन होंगे। ये सभी लेवल पर होगा, पंचायत के लेवल पर होगा, ग्राम कचहरी के लेवल पर होगा, पंचायत समिति के लेवल पर होगा और जिला परिषद के अध्यक्ष के और उसकी जो समिति है उसके आधार पर। मतलब झुंझुना थमा दिए गए, इस कमेटी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी गठित हो ही नहीं सकता है। जैसे 20-सूत्री कमेटी है, बहुत तरह की कमेटियां चलती हैं, उसी तरीके की ये भी एक कमेटी होगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कमेटी का चेयरमैन BDO, SDO या DM ही होंगे। और अगर एक तो इससे जब प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष का कुछ नहीं चलता है तो BDO और SDO और अगर DM हो जाए जिला परिषद के अध्यक्ष तो फिर क्या चलेगा, आप समझ सकते हैं इन प्रतिनिधियों का। चलिए, हमारे साथ न्यूज रूम से अशोक मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्या लगता है कि ये लॉलीपॉप ही है या कुछ इसका महत्व भी है?
पंचायत प्रतिनिधियों को अब कोई एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है, यानी कि 15 जून के बाद वो भूतपूर्व हो जाएंगे, पूर्व हो जाएंगे और उनके हाथों से जितने सारे पंचायती राज के अधिकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि एक अध्यादेश वह लाएगी, इस अध्यादेश के मुताबिक जो राज्यपाल के पास जाएगा सहमति के लिए, उनकी मुहर लगने के बाद उस अध्यादेश को लागू किया जाएगा जिसका कार्यकाल 6 महीने तक का रहता है। तो उसमें ये अध्यादेश के द्वारा राज्य सरकार ये एक कमिटी बनाएगी जो परामर्शदात्री समिति होगी, यानी परामर्श देने वाली कमिटी होगी। जो 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति थी वह भी परामर्श नहीं था, वह क्रियान्वयन समिति थी, यानी 20 सूत्री कमिटी का जो फैसला होता था वो सर्वमान होता था। लेकिन यह जो पंचायती राज के मंत्री ने जो कहा है उसके मुताबिक यह कह सकते हैं कि यह परामर्श देने वाली कमिटी होगी और उस परामर्श को अमली जामा प्रशासनिक अधिकारी पहुंचाए जो है अमली जामा पहुंचाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक पंचायत प्रतिनिधियों को झुंझुना थमा दिया गया है। और इसमें फिर कौन कौन लोग शामिल होंगे, चूंकि जो कैबिनेट होता है पंचायत का जो कैबिनेट होता है उसमें सदस्यों की संख्या काफी होती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर उसका गठन होगा तो फिर उतने सदस्यों की संख्या रहेगी या नहीं रहेगी यह भी अभी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना आप जरूर कह सकते हैं कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका आक्रोश न हो सरकार के प्रति, या विपक्षी दलों को ये कोई मौका नहीं मिले कि वो यह कहे कि हमने पंचायत प्रतिनिधियों का एक्सटेंशन के लिए सरकार से मांग किया था लेकिन सरकार ने नहीं माना और यह सरकार मुखिया विरोधी है, पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं उसके विरोधी हैं। तो इसको एक इस पर एक मलहम लगाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है, नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। अब देखना है कि 15 जून के पहले यह अध्यादेश किस रूप में आता है और जो प्रतिनिधि कल तक सर्वे सर्वा थे वो अब केवल परामर्श देने के लायक रहेंगे, यानी कि वो सलाह देंगे, उनकी सलाह पर कितना काम होगा ये तो देखना बाकी है। जब वो पूरी तरह से पावर में थे तब मुखिया रोना रो रहे थे, पंचायत प्रतिनिधि रोना रो रहे थे कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। अब तो पूरा का पूरा यह कह सकते हैं कि पूरी ताकत अफसर के जिम्मे होगी और पंचायत प्रतिनिधि जो कल तक सर्वे सर्वा थे अब मूक दर्शक होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अशोक मिश्रा जी न्यूज रूम से जुड़े हुए थे, मतलब अब ये सिर्फ मूक दर्शक बने रहेंगे। जी हम बात कर रहे हैं सिवान में एम्बुलेंस घोटाले का। हालांकि इस एम्बुलेंस घोटाले को लेकर डीएम ने अभी पहले थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसमें किसी भी तरह का घोटाला नहीं है। 7 लाख का एम्बुलेंस और बाकी एसेसरीज लगाने में जो खर्च हुए हैं उस वजह से 23 लाख में एम्बुलेंस लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि 23 लाख के एम्बुलेंस की उपयोगिता क्या हुई है, ये भी तो बताना चाहिए कि 1 साल से जो एम्बुलेंस पड़ा हुआ है उसकी कोई उपयोगिता हुई क्या। डीएम साहब तुरंत आ गए क्योंकि अपने अधिकारियों को बचाना है। ये ऐसा ही हुआ कि बिल्ली को आप दूध की रखवाली के लिए दिए और कोई दूध पी गया तो फिर बिल्ली से ही आप हिसाब ले रहे हो कि भाई कौन दूध पी गया है, इसमें कैसे होगा। जरा सुनिए अमित कुमार पांडे जी क्या कहते हैं। गठन भी कर दिया है उसको और सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पे देखने के लिए कहीं प्रोसीजरल लैप्सेस तो नहीं है उसको परचेज करने में, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो दिखा कि इसमें टेंडर हुआ है और एडवर्टाइज करके प्रॉपर वे में और 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो L1 है उसको चूज किया गया उसी को वर्क ऑर्डर मिला था। इसमें जो रिक्वायरमेंट हम लोगों के द्वारा पोस्ट की गई थी COVID-19 को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी होना चाहिए और कुछ इक्विपमेंट जो COVID-19 में भी इस्तेमाल किए जा सकें उस परिस्थिति में, उसके साथ तय करने की रिक्वायरमेंट थी जो कि उस समय जेम पे अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इसका जो रेट एक मीडिया में बात आ रही है कि 7 लाख का या 8 लाख का होना चाहिए, 21 लाख का है, तो रेट उसी की वजह से। चले निरंजन अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो जरा निरंजन से ये समझना चाहेंगे कि आखिर डीएम साहब जिस आधार पे इसका कह रहे हैं कि घोटाला, प्रथम दृष्टया घोटाला की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 1 वर्ष होने को है, कह रहे हैं कि कोरोना को देखते हुए हमने इस एम्बुलेंस में अलग से कुछ इक्विपमेंट लगाए गए हैं जिससे कोरोना के मरीजों को सपोर्ट मिल सके। तो क्या ये जो एम्बुलेंस है 21 एम्बुलेंस उसका उपयोग हुआ है या फिर इसी तरीके से जैसे छपरा में चर्चाएं हुई, बिहार के अन्य हिस्सों में अगर हम बात करें तो हर अस्पताल में जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया एम्बुलेंस इसी तरीके से खड़े मिल जाएंगे आपको। अगर निरंजन समझूर गए तो निरंजन से मेरा सीधा सवाल यही होगा, निरंजन डीएम तो क्लीन चिट दे दिए हैं, क्या उस एम्बुलेंस का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है मरीजों को ले जाने ले आने में,
और डीएम के क्लीन चिट का आधार क्या है? ये बिल्कुल देखिए, जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे ने जिस प्रकार आनंद फानन में अचानक से मीडिया के सामने आकर अपना प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एम्बुलेंस में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। खरीदारी की जहां तक रही बात, खरीदारी हमने कभी एक रुपए में कोई सामान खरीदे हैं तो आज हो सकता है 10 रुपए में खरीद रहे हैं, तो खरीदारी में कहीं किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। सामान उतने का लगा है, सामान कीमती सामान लगा है, पूरी तरह से एम्बुलेंस को जो है वो कहा जाए कि मिनी आईसीयू सेंटर जो होता है, आईसीयू होता है, उस तरह का एम्बुलेंस को बनाया गया है। रही बात चलने की, तो ये एम्बुलेंस सिवान सदर अस्पताल को नहीं दिया गया है बल्कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो चलता है यहाँ पर उसको दिया गया था और वहां पर जिला अधिकारी कोरोना के जो कार्य चल रहा था उसी बीच में जिला अधिकारी ने 5 एम्बुलेंस को वहां से मंगाकर सिवान सदर अस्पताल में लगवा दिया और वहां पर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में वहां पर जो कोरोना का वैक्सीन सेंटर बनाया गया था और वही एम्बुलेंस यहाँ जब आके खड़ी हो गई, यहाँ पर कोई चलाने वाला नहीं था जबकि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में वहां पर ये चल रहे हैं। फिर से जैसे ही मीडिया में ये खबर आई है, कल उस सभी एम्बुलेंस को यहाँ से उठाकर दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज को वापस कर दिया गया। जी, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज को किस उद्देश्य से दिया गया था? बिल्कुल, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज को इस उद्देश्य से, ये जो एमएलसी है तुलाजी पांडे या व्यासदेव प्रसाद जो पूर्व विधायक है, रमेश सिंह कुशवाहा जो पूर्व विधायक है, इन सभी लोगों ने दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज को दिया है इस उद्देश्य से कि वहां पर जो आयुर्वेद के जो मरीज आते हैं उनको सही तरीके से, और उसमें दयानंद आयुर्वेद के कॉलेज के जो लोग हैं उन लोगों ने मांगा था कि भाई हम चला सकते हैं, हम हमारे पास वो सारी जानकार के लोग हैं, जानकार सारे जानकारी प्राप्त लोग हैं मेरे पास, चला सकते हैं। उसी आधार पर वो लोग चला भी रहे थे लेकिन कोरोना काल को देखते हुए जिला अधिकारी ने आनंद फानन में उन सभी एम्बुलेंसों को सिवान सदर अस्पताल में मंगवा लिया था। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ फिर से एम्बुलेंस पर सरकार गिर रही है। एक एम्बुलेंस का मामला शांत नहीं हुआ, दूसरा एम्बुलेंस सामने। अब चलिए, खबर आई तो फिर दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज को एम्बुलेंस सौंप दिया गया है। डीएम साहब हैं, उनकी अपनी मर्जी है जहां जाए, लेकिन मीडिया में जब खबरें आती हैं तो डीएम साहब की भी लाचारी हुई होगी कि हम अब इस एम्बुलेंस को करें तो करें क्यों, क्योंकि एक बड़ा सवाल है। जब ये एम्बुलेंस आपका मिनी अस्पताल है, आईसीयू रूम है, तो ऐसा नहीं है कि सिवान से पटना आए हुए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत नहीं हुई है, दर्जनों मौत हुई है। क्या उन मरीजों को इस एम्बुलेंस का लाभ मिला? और अगर लाभ नहीं मिला तो डीएम साहब को जिम्मेवारी ठहरती है ना, सिविल सर्जन की तो जिम्मेवारी बनती है, कोई तो इसकी जिम्मेवारी लेगा। चलिए अब एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बिहार में लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से अपराधी अनलॉक हो गए हैं, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। करें लॉकडाउन में अपराधी अनलॉक। जी हाँ, अगर हम बात करें पिछले, जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है बिहार में, लगातार आपराधिक घटनाएं होती जा रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जहां कोई बड़ी घटनाएं नहीं घटी है। बैंक लूट तक इस लॉकडाउन के दौरान हो चुका है, जबकि ई पास के बगैर आप गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। हर जगह चौक चौराहे पर पुलिस रहती है, नाकाबंदी रहती है, और उस नाकाबंदी के बीच कल ही पटना में देखिए अलग अलग जगहों पर 12 लाख रुपया की लूट हो गई है। आज भी लूट की खबर है, आज भी पटना सिटी में से डकैती की खबर आ रही है। समस्तीपुर में सुबह सुबह बारात से लौट रहे दो लोगों की गोली मार दी गई है, एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर लॉकडाउन में ये अपराधी अनलॉक कैसे हो गए, जरा पहले हम समस्तीपुर के वारदात को जरा हम समझ लें कि क्या स्थिति है, क्यों ये घटना हुई है, और समस्तीपुर के साथ ये समस्याएं हैं कि राजनीतिक रूप से ये जिला जरूर जागरूक है, और इस जागरूकता का प्रतिफल ये है कि यहाँ काम करने वाले एसपी की पोस्टिंग में लगता है कि 30 वर्षों से, 90 से आप लीजिए, 90 से लेके 2021 तक में, मतलब 30-31 वर्षों में मुश्किल से 2-3 एसपी की पोस्टिंग हुई होगी,
बाकी सभी ऐसे एसपी की पोस्टिंग हुई है जो जिनका कामकाज संतोषप्रद भी नहीं रहा है, और यही वजह है कि बिहार में अपहरण उद्योग की शुरुआत भी समस्तीपुर से हुई थी और आज के दिनों में भी समस्तीपुर में अपराध बेकाबू है। चलिए मंटू ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, मंटू ने कोई गिरफ्तारी हो पाई है कि नहीं? मंटू ने इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तार, दोनों जो एक की हत्या हुई है, दो पर गोली चली है, इन दोनों मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? नहीं, तो अभी तक दोनों मामले में पुलिस जो है किसी मामले में, अगर बात किया जाए तो इस साल पहले से दोनों मामले की बात कर लेते हैं, दोनों मामले में पुलिस ने किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं की है, नहीं की। सबसे बड़ी बात है कि कल जो रात्रि में जो ताजपुर के क्षेत्र में कोठिया में जो गोली चली थी उसमें पुलिस संज्ञान तक नहीं ली है। पुलिस जो है सीमावर्ती इलाका होने के कारण जो है वैशाली की घटना होने की वजह बता रही है, लेकिन दूसरी जो घटना विभूतिपुर में घटी है, जो भेड़ रखवाले थे उनको जो गोली मारकर हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई है, इसे पुलिस पूछताछ की है। लेकिन अगर किसी मामले को अगर महीनों में अगर पूरा समस्तीपुर का आपराधिक अगर आंकड़ा देखा जाए तो अधिकांश मामले पुलिस के बाहर है, पुलिस के पकड़ से अपराधी बाहर है। पुलिस किसी मामले में अब तक कई उद्भेदन जो है अब तक नहीं कर पाई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकांश मामलों में पुलिस का हाथ खाली है और यही वजह है कि समस्तीपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके लिए सिर्फ अपराधी या पुलिस सिस्टम ही जिम्मेवार नहीं है, वहाँ के पब्लिक भी जिम्मेवार है। राजनीतिक रूप से इतने जागरूक हैं कि एसपी साहब को काम करने नहीं देते हैं। जो एसपी साहब नेता का बात नहीं माने उन एसपी साहब का तबादला होना है, चाहे वो लालू राज रहा हो चाहे नीतीश राज रहा हो। नीतीश राज का भी ग्राफ अगर आप निकाल के देखिए तो जो अच्छे एसपी हैं जिनकी पहचान स्टेट लेवल पर रहा है उसकी पोस्टिंग नहीं हुई है। कहा भी जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में समस्तीपुर की पोस्टिंग झारखंड के धनबाद की पोस्टिंग की तरह है कि जिस एसपी की पोस्टिंग हो गई वहाँ अगर वो पैसा कमाना चाहे तो जमकर पैसे कमा सकता है। तो मतलब बिहार का वो धनबाद है, तो स्वाभाविक तौर पर हर किसी की नज़र भी रहती है, वहाँ की पोस्टिंग को लेकर अलग तरह की लामबंदी भी होती है। हालांकि जो वर्तमान में एसपी हैं वो उनकी ईमानदार छवि रही है लेकिन आक्रामक छवि नहीं रही है, जिस तरीके से उनकी पत्नी की आक्रामक छवि रही है और उनके कार्यकाल के दौरान समस्तीपुर में अपराधियों को पर लगाम लगा था, लेकिन इनके एक महीने से ज़्यादा का कार्यकाल होता जा रहा है लेकिन कोई लगाम लगना तो दूर नोटिस तक नहीं ले रहा अपराधी। चलिए अब हम खगड़िया की बात करते हैं। कल खगड़िया में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के जो प्रखंड मंत्री थे अशोक सहनी का, उस अशोक सहनी की हत्या हो गई अपहरण के बाद, उसके डेड बॉडी मिला और डेड बॉडी मिलने के बाद लोग सड़कों पर उतरे, काफ़ी हंगामा कल हुआ था और आज पुलिस कई जगहों पर छापेमारी की है और इसके हत्याकांड में जो भी शामिल हैं जिस पर पुलिस का शक है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस का छापेमारी चल रही है। चलिए हमारे साथ स्वतंत्र जुड़ गए हैं। स्वतंत्र, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कोई सटीक जानकारी है कि जो अपराधी घटना को अंजाम दिए हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए संतोष जी, अपहरण के बाद से लेकर के हत्या तक में पुलिस का दावा है कि लगातार उसका छापेमारी जारी है, उसका प्रयास जारी है, लेकिन पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है। यूं कहें कि पुलिस जो है अंधेरे में तीर चला रही है, क्योंकि घटना का लगभग अब 24 घंटा होने को है लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी जो धर्मवीर सहनी है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हालांकि धर्मवीर के कुछ रिलेटिव को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है, पुलिस का दावा है इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो 15 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं इस हत्याकांड में उसमें किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन सब के बीच अभी जो सूत्रों से खबर मिली है कि पुलिस ने परबत्ता ब्लॉक के कई इलाके में छापेमारी की है और वहां
चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दो देसी कट्टा, आठ चक्र जिंदा कारतूस बरामद किया है। पूरी पुलिस को आशंका है कि हो सकता है जो चार बदमाशों की अभी गिरफ्तारी हुई है उनका कनेक्शन कहीं अशोक सहनी हत्याकांड में तो नहीं है, तो पुलिस ने उसे डिटेन किया है और उससे पूछताछ कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खगड़िया संवाददाता स्वतंत्र मौजूद थे। अब एक नई आफत की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कोरोना के बाद एक नई आफत कह सकते हैं कि बिहार के सामने है, वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस की स्थिति यह है कि पटना में एम्स, पीएमसीएच और एनएमसीएच में जितने मरीज कोरोना के हैं उससे ज़्यादा मरीज अब ब्लैक फंगस के हैं। मौत की भी अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हालात ये कोरोना के दूसरे चरण के शुरुआती दिनों में जो हालात थे कमोबेश उसी तरीके के हालात उत्पन्न होने लगे। समस्तीपुर से खबर आ रही है, वहाँ इसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर कई शिकायतें मिली हैं कि वहाँ पे लोगों को ब्लैक फंगस का लक्षण है, लेकिन न उन्हें दवाइयाँ मिल रही है, न इंजेक्शन मिल रहा है। पटना में भी जो लोग आ रहे हैं उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था जो दी जानी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। समस्तीपुर में जो विधायक हैं शाहीन, वो धरना पर बैठे हुए हैं। जरा उनसे जानना क्यों वो धरना पर बैठे हुए हैं, जरा आप भी सुनिए। कल कॉलेज है, चाहे दरभंगा मेडिकल डीएमसीएच हो या मुजफ्फरपुर हो या पूरे बिहार, वहाँ भी उपलब्ध नहीं है। कुछ जगह सरकार ने कहा था कि ब्लैक फंगस की दवाई उपलब्ध है जहाँ पर इलाज किया जाएगा, जैसे एम्स के बारे में, आईजीआईएमएस के बारे में और पीएमसीएच के बारे में। आज स्थिति ऐसी है कि वहाँ भी लोग मर रहे हैं। जो भी लोग पूरे बिहार के लोग पटना राजधानी में जा रहे हैं इलाज कराने, वहाँ पर भी ब्लैक फंगस का जो वायल होता है वह पिछले कई दिनों से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों की मौत हो रही है। और जो पेशेंट हमारे एम्स जा रहे हैं, आईजीएमएस जा रहे हैं, उनका इलाज वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। चलिए, अब एक खबर, टीका पर टोटका। जी हाँ, पूरे बिहार में ये स्थिति है। 18 वर्ष से ऊपर वाले को सातवां दिन है टीका नहीं मिला है। 45 वर्ष से ऊपर वाले की स्थिति ये है कि कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस चलने के बावजूद भी गांव में हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग टीका लेने को तैयार नहीं है। नालंदा से जरा देखिए, मुख्यमंत्री का गृह जिला है और टीका लगाने के लिए लोग आग्रह कर रहे हैं, लेकिन टीका लेने को कोई तैयार नहीं है और लोगों में आक्रोश क्या है, जरा आप भी पहले सुनिए। हमारे पर जो कानून लागू है, रूल सभी को बोला हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए, यदि किसी तरह का रूमर है उनके बीच में तो उसको भी हटाया जाएगा। कि यदि कोई ये हो रहा है कि वैक्सीन लगाना गलत है या इससे कुछ गलत मतलब इनका ये हो रहा है, तो वो सब बिल्कुल गलत है। बहुत लोगों ने लगवा लिया है। आप अगर डेटा देखिएगा पूरे इंडिया में ही, सिर्फ इंडिया में ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग। सवाल है, गोबर लगाइएगा, गौमूत्र पीने की बात करिएगा, बाबा रामदेव को लेकर बहस छेड़िएगा, तो गांव में आपके भाषण का कौन सुनेगा? उसका भी तो अपना तरीका है। गांव में सबसे पहले बाबा रामदेव का संदेश चला जाता है कि कोरोनिल पीजिए, स्वस्थ रहिए। बाकी लोग गुजरात से आते हैं कि भाई मंत्री जी गोबर लगा रहे हैं, तो गोबर लोग लगाना शुरू कर देता है। आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को झटका लग रहा है, इसमें कोई दूसरे लोग जिम्मेवार थोड़ी है। चलिए, हम राजकुमार से बात करना चाहेंगे। राजकुमार हमारे संवाददाता नालंदा हैं। क्या आखिर क्या परेशानी हुई कि लोग इतने आक्रोशित हो गए
और लगातार नालंदा से भी खबरें आ रही हैं कि टीका लेने से लोग मना कर रहे हैं। सिर्फ नालंदा ही नहीं, बिहार बक्सर से, सिवान से, समस्तीपुर से, अलग अलग जगहों से अगर हम बात करें तो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ग्रामीण इलाके में वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से ठप है, लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। वाकई में कोई इसकी खास वजह है या फिर कारण क्या है, जरा ये समझने के लिए हम चलते हैं राजकुमार के पास। और राजकुमार से हम जानना चाहेंगे कि भाई ये समस्याएं क्यों है। राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, क्या समस्या है, क्यों नहीं लोग टीका लेना चाहते हैं और ये हंगामा क्यों हुआ है? तो बता दें कि यहाँ पर जो है पाकी गांव में आज जो है शिविर लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो प्रचार वाहन की गाड़ी पहुंची थी, जो सरकार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निकाला गया है, उस प्रचार वाहन पर ही लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला स्लोगन लिखा हुआ था। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ था कि जो कोवैक्सीन ले रहे हैं उनको 4 सप्ताह के बाद दिया जाएगा और कोविशील्ड वाले व्यक्ति को जो है 84 दिन बाद पड़ेगा। तो जो लोग कोवैक्सीन लिए हुए थे वे लोग यहाँ पर पहुंचे और वो लोग चाह रहे थे कि उनका टीकाकरण हो जाए, मगर यहाँ पर बताया जा रहा था कि सभी लोगों का 84 दिन के बाद ही टीकाकरण किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ ANM के साथ लोग बगजग करने लगे। इसके बाद जैसे इस बात की जानकारी मिली, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, स्थानीय थाना की पुलिस पहुंची, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की मांग जो थी वो बिल्कुल जायज थी, क्योंकि जब आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है 12 से 16 सप्ताह के बाद दिया जाएगा और उसके बाद 84 दिन पूरे जाने के बाद भी किसी को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच फैल रही, जिसके कारण लोगों में नाराजगी है। वही हम बात कर रहे हैं सरदायत पंचायत की, ये पंचायत जो है हाल के दिनों में प्रधानमंत्री के हाथों से अवार्ड ले चुका है और अवार्ड लेने के बाद भी यहाँ पर जागरूकता का कार्यक्रम नहीं चलाया गया, जिसके कारण लोगों के अंदर तरह तरह की जो है भ्रांतियां फैल रही है और जिसके कारण यहाँ के लोग जो है किसी भी गोद अभी तक नहीं लिया है। आज हमने यहाँ के स्वास्थ्य प्रभारी से बात किया, उन्होंने साफ लहजे में कहा कि यहाँ पर भ्रांतियां फैली है जिसके कारण वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा, तो उन भ्रांतियों को दूर करना ही स्वास्थ्य विभाग के जिम्मा था, लेकिन अभी तक ये लोग भ्रांति को दूर नहीं कर पाए हैं जिसके कारण हर जगह टीका का बहिष्कार हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल, जो भ्रांतियां फैली है, बिना उसको, उस भ्रांतियों को दूर किए हुए गांव के लोगों को सुई लेने पर मजबूर नहीं कर सकते। कुछ राज्यों ने तो कह दिया कि शराब अगर आप लेते हैं तो आपको दिखाना होगा कि कोरोना के सुई लिए हुए। सरकारी कर्मचारी को वेतन तभी मिलेगा जब वो प्रमाण पत्र देंगे कि सुई लेना है। तो ये सरकारी कर्मचारी पर लागू हो सकता है, जनप्रतिनिधि पर लागू हो सकता है, कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले लोगों पर लागू हो सकता है, पंचायत प्रतिनिधियों पर भी लागू हो सकता है। तो शुरुआती दिनों में कम से कम ये जो सरकार के कंट्रोल में जो लोग हैं और उनको कम से कम सुई देके एक गांव तक बात फैलाने की कोशिश हो कि कोरोना का जंग अगर जीतना है तो आपको टीका लेना जरूरी है। कशिश भी इस स्लोगन के साथ है और हम आग्रह करते हैं पूरे बिहार के वासियों को, कुछ भी खतरा नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन किसी पार्टी के द्वारा बनाई गई है, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई, ये देश का वैक्सीन है और इस वैक्सीन के बनाने में तमाम उन नियमावली का पालन किया गया है जो वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनी का, जिन नियमावली को पालन करते हैं, ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर होता है, इसलिए इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए वैक्सीन ले और जो भ्रांति आपको जो फैलाई जा रही है उसको आप जब तक पैरलर तरीके से गांव तक संदेश नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये भ्रांति दूर नहीं हो सकती। चलिए, इसका बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं, कल ठीक हमारी इसी समय आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।